हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक जबरदस्त वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। घाघरा और चोली हम कैसे बना सकते हैं एक छोटे बच्चे के लिए। मैंने इसको रिया के लिए डिज़ाइन किया है। आप लोग भी अपने बेबी के लिए इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मेजरमेंट आप देख सकते हैं, लहंगे का कुछ इस प्रकार है और चोली का कुछ इस प्रकार से है। इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे कपड़ा कटिंग करके निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 43-44 इंचेस का कपड़ा। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब ये जो कपड़ा हमने कटिंग किया, इसको हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड बराबर ये इस प्रकार से करने के बाद आपको ना इसको और फोल्ड करना पड़ेगा। अब लहंगा जो पैटर्न्स बनते हैं ना, उसके लिए देखिए यहाँ पर ये 43 इंचेस हमने निकाला, तो ये इस प्रकार से निशान लगा लिए। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, इसको हमें उरेब बिछाना है, तो ये पार्ट हम एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल दिए। अब उरेब बिछाने के लिए पहले तो इसको हम चार फोल्ड कर लेते हैं ये ऐसे। अब ये इस प्रकार से ना इसको उरेब कर दें, इस तरह से रख करके कटिंग करेंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त शेप निकल करके आएगा। देखिए, हमें लंबाई तैयार कितनी चाहिए, 18 इंच की। तो हम पहले नीचे इस तरह से राउंड शेप देंगे, ये पूरा बराबर मेजरमेंट लेकर के इस प्रकार से आपको राउंड शेप देना है। और उसके बाद ऊपर देखिए, ये 18 इंच हमें चाहिए, 18 का निशान लगाए। और यहाँ पर भी ना हमें राउंड शेप देना है, तो ये इस तरह से राउंड शेप आपको दे देना है। अब जब आप इसको इस तरह से काटेंगे, एक तो हमें यहाँ से कटिंग करना है और दूसरा हमें यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है, तो ये पूरा गोल लेयर कट करके आएगा। ये देखिए, इस प्रकार से पूरा जब आप ओपन करके देखेंगे, पूरा गोल लेयर से कट के आएगा। और एक्चुअल में हमें यही चाहिए, ये देखिए ये इस प्रकार से बनेगा। अब इसके लिए हमें लाइनिंग पीस की कटिंग करनी है, तो लाइनिंग पीस सबसे पहले आपको चार फोल्ड बिछा के रखना है और इस तरह से एक सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें एक निशान ले लेते हैं 16.5 इंच का, इसको सीधा मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद जो है हम यहाँ पे इस प्रकार से एक मेज़रमेंट लेंगे 8.5 इंच अप्रॉक्स, और उसके बाद इसको हम ना काट देंगे। ठीक है, ये लाइनिंग पीस का यूज़ होगा, आपके मेन फैब्रिक से लाइनिंग पीस थोड़ा सा छोटा भी रह सकता है, उससे कोई इशू नहीं। ये आपका समझो फिक्स मेज़रमेंट है। और कपड़े पे ना चुनटे आ जाएंगी, फ्रिल आ जाएगा थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। अब ये जो लाइनिंग पीस हम यूज़ कर रहे हैं, ये बनाएंगे चोली उसके लिए। तो चोली बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के बाद ये सीधा निशान ध्यान रखना, कपड़ा डबल फोल्ड है और सामने और पीछे पल्ला हम अलग अलग काटेंगे। तो लंबाई हमें चाहिए, उस हिसाब से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये सबसे पहला निशान आपका लंबाई का, देन शोल्डर का। अपने मेजरमेंट के हिसाब से इन निशानों को आप लगाएंगे। ये आर्म होल और शोल्डर बहुत ही कम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटे से बच्चे का है तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ये चेस्ट का निशान और ये कमर का निशान, ठीक है। ये बेसिक एक ब्लाउज बनेगा, छोटा सा, आप एक बिगिनर की तरह इसको बना देंगे ना तो भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ना इसमें डॉट का झंझट है ना आपको किसी भी तरह से इसमें फिटिंग रिलेटेड इशू आएगी। क्यों? क्योंकि ये छोटे से बच्चे का ब्लाउज है, क्या इसमें आप डॉट का क्रिएशन करोगे, क्या फिटिंग डालोगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये छोटा सा गले का शेप दे देंगे, ठीक है। अब ये पल्ला हमने तैयार कर लिया, एक पल्ला। अब जो है ये दूसरा पल्ला कटिंग करने के लिए फिर डबल फोल्ड कपड़ा लिए और इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। तो ये वाला जो पल्ला है ना, इसको हम 1/2 इंच छोटा रखेंगे, क्योंकि पहले हमने पीछे पल्ला काटा, अब जो हम काट रहे हैं वो सामने का पल्ला है। तो सामने का पल्ला 1/2 इंच छोटा रख लेते हैं ये इस तरह से। अब ये कटिंग करने के बाद यहाँ पर ना फ्रंट नेक और फ्रंट शेप को हमें डिज़ाइन करना है। तो देखिए, पहले तो आर्म होल को हल्का सा खांच देंगे, ये आर्म होल थोड़ा सा छांटना है सामने पल्ले का। अब यहाँ पर एक शेप देंगे, तो ये नेक का शेप समझो, ठीक है। ये नेक का शेप हमने दे दिया और नीचे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे ये ऐसे। ये शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये आपका फ्रंट शेप तैयार हो गया। तो ये बैक पार्ट जिसमें हम गले की कटिंग कर देते हैं, और फ्रंट पार्ट सामने से ओपन वाला ये ब्लाउज बनेगा, जैकेट पैटर्न है समझो, जैकेट की तरह बनेगा, इसको ब्लाउज नहीं बोलना चाहिए। अब मेन फैब्रिक पे इन लाइनिंग पीस को रख करके हमें कटिंग करना है। तो ये जो कपड़ा है ना, ये टोटल इसमें पूरे सितारे लगे हुए हैं,
बहुत सारे सितारे तो कटिंग करते वक्त सिलाई करते वक्त ही इसमें निकल जाते हैं। इस तरह से बराबर लाइनिंग पीस के हिसाब से काट के निकाल लेना है, ये ऐसे। फ्रेंड्स, दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप सभी लोग जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप लोगों को ढेर सारी जानकारियां सिलाई से जुड़ी हुई बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलती हैं। दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप पर आप लोगों को वीडियोस बहुत अच्छी क्वालिटी में और स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। आपको वहां पर ज़्यादा खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप सर्च करेंगे आपको वीडियोज़ मिल जाया करेंगी। तो ज़रूर जा करके डाउनलोड करना प्ले स्टोर से दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप। ये इस तरह से हम कर लेते हैं पूरी कटिंग। फ्रेंड्स, आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैं स्लीव की कटिंग बता रहा हूँ एक छोटे से कपड़े पर, क्योंकि तो छोटा सा यहाँ पे स्लीव लगना है और स्लीव का डिज़ाइन जो है ना वो अलग तरीके से हम करेंगे। तो ये मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से देख लेना किन किन मेज़रमेंट्स का आपको निशान लगाना है। हमारा जो कैलकुलेशन है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आस्तीन कटिंग के लिए हो, चाहे ब्लाउज कटिंग के लिए या चाहे लाइचा कटिंग के लिए, ठीक है। अब ये हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है, ये बीच से काट देते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग पीस हैं, ठीक है। ये हमने कटिंग की है, सामने का पल्ला छांट देंगे आर्म होल को आस्तीन का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये स्टिचिंग के पार्ट में जैसे ही आएंगे ना, अस्तर हम लेंगे और इसको इस प्रकार से जॉइंट करेंगे। सबसे पहले जॉइंट करने के बाद क्या करना है, ये वाला जो पीस है नाप करके देख लें बराबर बैठ रहा है, इसको ओपन कर दें, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम रबड़ लगाएंगे, तो रबड़ के लिए एक पट्टा हमें चाहिए जिसको हम कमर बेल्ट बोलेंगे। ये जो पट्टी है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पहले तो चिपका लेना है, तो एक बेसिक सिलाई के माध्यम से हम इसको चिपका लेंगे, ये ऐसे। ये बराबर आपको सिलाई लगा करके चिपकाना है और गैपिंग आपको इतना रखना है कि एक इंची रबड़ इसमें घुस जाए, ठीक है। अब एक इंची रबड़ घुस जाए मतलब ये डबल फोल्ड में भी आपका लगभग 1.25 इंच का होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इस तरह से पूरा इसको कंप्लीट स्टिच करने के बाद हम ना इसको इस तरह से पलटाएंगे। जैसे ही हम इसको पलटाएंगे तो यहाँ पर हम रबड़ डालेंगे, एक इंची रबड़ है ध्यान रखिएगा, आप एक इंची रबड़ का यूज़ करेंगे इसमें। और रबड़ की साइज़ जैसे कमर हमने 18 इंच लिया है, तो आप रबड़ 15 से 16 इंच का ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा टाइट कपड़े पहनाना अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल उनको फील नहीं होगा, तो ज़्यादा टाइट रबड़ आप यूज़ नहीं करेंगे। ये इस प्रकार से पूरा रबड़ आपको इसमें अंदर डालना है और उसके बाद सबसे पहले आपको एक साइड से इसको सील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हम पकड़ के पहले सिलाई कर देते हैं, ये ऐसे। अब जैसे ही हमने ये वाला हिस्सा सिलाई किया, उसके बाद यहाँ पर हम इंची टेप लेंगे, मेजरमेंट लेकर के देखेंगे इस तरह से। जैसे मैंने कहा 16 इंच हमें टोटल 18 चाहिए, तो खींच करके 18 नापना है, ठीक है। खींच करके नापोगे और उसके बाद इधर भी सिलाई लगा दोगे। ये सिलाई लगाने के बाद आपको रबड़ एक्स्ट्रा जो है उसको काट देना है, ठीक है। दोनों तरफ के एक्स्ट्रा रबर काटने के बाद आपको ना इसको साइड से फोल्ड करना है, ये कुछ इस प्रकार से, और साइड से सिलाई लगा करके ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। ये इस प्रकार से सिलाई लगा करके हमें इसको ज्वाइंट करना है। यहाँ पे आप मजबूत डबल सिलाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिलाई लगाओगे तो भी चलेगा। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये बच्चे को चुभे ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलाई से यहाँ पे जाम कर देंगे, इस प्रकार से रख करके पूरा इसमें स्टिच लगा देंगे ताकि वो बच्चे को चुभे ना, ठीक है। अब ये अस्तर वाला पैटर्न तो हमारा तैयार हो गया, जिसमें हमने रबड़ को भी फिट कर दिया। अब ये वाला हिस्सा देखिए, ये पहले नीचे का ये एक्स्ट्रा जो है इसको काट के हम निकाल देते हैं, और यहीं सेंटर से ना ये जो कट हम लगा रहे हैं यहीं से पकड़ करके हम कपड़े को फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे ध्यान देना, पहले तो इसमें एक बीचों बीच सिलाई आपको लगानी पड़ेगी ताकि रबड़ इधर उधर ना सरके। तो ये सिलाई आपको खींचते हुए लगाना है, ध्यान देना सामने और पीछे दोनों तरफ से आपको इसको खींचना है, इस प्रकार से पूरा इसको खींचते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, ये ऐसे।
अब ये वाली सिलाई जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद हम इसमें मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये मेन फैब्रिक हमने लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा है, ये सेंटर का निशान आपको लगा लेना है। और सेंटर का निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसको सेंटर में ला करके हमें फिट करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ये एक राउंड शेप में कटा हुआ है, ठीक है। तो इसको फिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो सेंटर वाला हिस्सा है, अस्तर के सेंटर से इस तरह से रखना। देखिए, अब यहाँ पे ना जो रबड़ आपका लगा है वो अंदर की तरफ है, आपको केवल उस ज्वाइंट के ऊपर में एक जो सिलाई चली हुई ना, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर ही इस सिलाई को चलाना है, ठीक है। रबड़ के ऊपर आपको ये सिलाई नहीं चलानी, रबड़ जो है वो अंदर दबा हुआ है मुड़ के, और यहाँ पर हम सिलाई चला रहे हैं। अब जब हम इस तरीके से सिलाई चला रहे हैं, तो जब आप सिलाई चलाते हुए जाएंगे ना, तो थोड़ा दूर आगे जाने के बाद आपको इसमें डिफ़िकल्टी महसूस होने लगेगी, क्योंकि कपड़ा राउंड शेप में है तो आगे जा करके वो फोल्ड होने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। और देखिए, ये सिलाई चलाने में भी काफ़ी आपको तकलीफ महसूस होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएं, और थोड़ा दूर जाने के बाद यहाँ से आप सिलाई लगाना छोड़ दें। इससे क्या होगा, यहाँ से आप जैसे यहाँ से सिलाई लगाना छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे दूसरी तरफ, ये देखिए इस प्रकार से, और आधी जो बची हुई सिलाई है ना, उसको हम इस तरह से पलटा के दूसरी तरफ से लगा लेंगे, तो ये इजी पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये एक शॉर्टकट तरीका है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर उस तरफ से घुमाते जाते तो हमें बहुत तकलीफ होती इसको पूरा पूरा फिट करने में। तो ये देखिए, कंप्लीट करते हैं ये वाली सिलाई। और ये सिलाई जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, आपका ये जो लहंगा है ना, वो बन के तैयार हो जाएगा। बेबी ड्रेसेस पे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, और ये जो ड्रेस मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों के ऊपर में। तो इसको जैसे ही हम तैयार करते हैं, लहंगा का जो पैटर्न है, ये हम पहले ना इसको अच्छे से जमा करके सीधा कर लेंगे। अब देखिए, इसमें नीचे वाले लेयर में आप पीको कर सकते हैं, और ये जो अस्तर है इसमें नीचे आप सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे अस्तर को दो बार फोल्ड करके सिलाई कर देना, ये इस तरह से देखिए। और आप चाहें तो इसमें नीचे पीको कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं ये फुचड़ा वगैरह नहीं निकलेगा। केवल अस्तर को फोल्ड कर दें, जिससे नीचे थोड़ा सा मोटापन आएगा और ये टंगेगा नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मोड़ करके पूरा आपको कर देना है सिलाई। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और अधिकतर मैं लंबी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकूँ। लेकिन ये एक नए तरीके का टॉपिक है जिसमें कटिंग और सिलाई दोनों एक साथ बताना था मुझे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये वाला हिस्सा देखो, ये पूरा जो लेयर है ना, बराबर देख लेना, कहीं पर छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर कहीं पर छांटने की ज़रूरत है आप छांट सकते हो, आप नीचे मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो, पीको करना चाहो पीको कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपली इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये आपका जो लहंगा है वो तैयार हुआ। अब आते हैं हम चोली के स्लीव्स पे। तो स्लीव के लिए हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग किया है, जिसको मैं डिज़ाइन के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। कटिंग में मैंने इसको नहीं बताया था, ये स्टिचिंग में ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा डिज़ाइनर पैटर्न देने के लिए। दो पीस में हमने इसको कट किया, कपड़ा कम था तो ये इस प्रकार से ज्वाइंट कर दिए। अब ये जो ज्वाइंट किया हुआ पीस है, इसको ना आपको स्लीव के मेन फैब्रिक पे अटैच करना पड़ेगा। ये एक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने इसको अलग से कट किया है। तो ये वाला जो फैब्रिक है, पहले इस पर भी ऊपर एक सिलाई लगाते हैं, फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। इस फैब्रिक पे ना हमें स्लीव को अटैच करना है। अब ये बराबर मेजरमेंट से कटा हुआ है, अटैच करने में कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए, इस प्रकार से हमें सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर देते हैं, और इससे आपके स्लीव की लंबाई बढ़ेगी और एक डिजाइनर पैटर्न भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से जो है इसको हम अटैच कर देते हैं। अब इसको हम पलटाएंगे।
तो ये हमारा स्लीव रेडी है। हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे मजबूती के लिए, ये ऐसे। सेम दूसरे स्लीव में भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये हो गया। अब इसमें एक और हम सिलाई लगा रहे हैं जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा, डबल सिलाई जब इसमें दिखेगी तो। ये देखो, ठीक है। अब यहां पर देखना फ्रंट और बैक, तो पहले बैक को पकड़ते हैं। बैक साइड में नीचे की तरफ से इसको सिलाई करके पलटाना है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह का टेंशन नहीं चाहते, हमें कमर बेल्ट वगैरह लगाने का कोई इसमें जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें बनाना है। हाँ, अगर आप चाहें तो पीछे में छोटे छोटे डॉट दे सकते हैं, वैसे बच्चे के ड्रेस में उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। सीधा इसको सिलाई करके पलटा देना है। अब पलटाने के बाद हमें क्या करना है, इसको ना पूरा किनारे किनारे स्टिच करना है, सभी किनारों पर स्टिच करके अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें चिपका लेना है। ये बेहद ही ज़रूरी है, इस तरह से चिपकाना ही पड़ेगा आपको, और इसमें अस्तर का यूज़ करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होगा आपको इसको इस तरह से सिलाई करके चिपकाना। अब रही बात गले की, तो गले पे हम इसमें देखते हैं कुछ पट्टी लगा देंगे। इसमें एक तो हम उरेब पट्टी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटे से बच्चे के में क्या पाइपिंग हम यूज़ करेंगे, तो पाइपिंग यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम। इसमें ना सीधा सीधा एक उरेब पट्टी लगाएंगे गले पर, बराबर इस प्रकार से छाड़ देना। अब आपका यहाँ पे ना अस्तर मेन है, ठीक है, कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसको छांटना है। अब जैसे मैंने कहा गले पर एक पट्टी लगाएंगे, तो उरेब आपको पट्टी कटिंग करना है और फिट कर देना है, छोटा सा ही लगेगा। अब ये वाली जो पट्टी है ना, इसको एक बार अंदर फोल्ड करके आपको सिलाई कर देना है और छोड़ देना है ऐसे। ये जो पट्टी है आपकी पूरी अंदर की तरफ पलटेगी, लेकिन अभी नहीं पलटेगा, जब हम इसमें फ्रंट को ज्वाइंट करेंगे तब पलटाना है, अभी इसको बस ऐसे ही फिट करके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका बैक साइड का पोर्शन रेडी है। अब आते हैं फ्रंट पे, तो फ्रंट में ये है अस्तर, ठीक है, और ये लाइनिंग पीस, माफ कीजिएगा, लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक। तो यहां पर ना इन्हें अटैच करना है, तो आप क्या करेंगे, इस राउंड वाले शेप पे पूरी सिलाई लगा करके इसी हिस्से से इसको पलटा देंगे। ये बहुत बेसिक प्रोसेस है, पलटाने से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, लेकिन पलटाने के लिए ना ये इस तरह से राउंड शेप है, तो छोटे छोटे आपको कट्स लगाने पड़ेंगे जिससे फिनिशिंग आएगी, नहीं तो फिर वो राउंड अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब क्या करना है, ऊपर से एक हमें सिलाई लगाना है, तो ये जो सिलाई है ये लगाना जरूरी है ऊपर में, ताकि अच्छे से पलट सके। ये इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट स्टिच कर देंगे, ये ऐसे। अब जैसे ही आपने ये सिलाई लगाया, आप इसको देखेंगे इस तरह से पलटा करके, तो ये बराबर अच्छे से पलट चुका है, ठीक है। बचे हुए इसके किनारों पर, पूरे सभी किनारों पर इसमें हमें सिलाई लगा करके इसको चिपका देना है, ठीक है, ये ऐसे। ये इस प्रकार से पूरा चिपका देना है, और जैसे हमने इसको बनाया सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लेना है, ठीक है। दोनों पीसेस जैसे हम रेडी करते हैं, तो इसमें हमें लूप्स लगाना पड़ेगा फ्रंट पे ही। तो लूप्स के लिए एक डोरी पहले तैयार करते हैं, जिसको हमने डबल फोल्ड करके ये किनारे से स्टिच करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे, तो किसी पतले तार की मदद से इसको पलटा लेना है। ये सब बहुत बेसिक प्रोसेस हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एक पतला तार लें, इस प्रकार से इसको पूरा पलटा दें। ये एक थोड़ा पतला सा कपड़ा है, इस प्रकार से इसको पूरा खींच करके हमें पलटा लेना है। पलटाने के बाद ये छोटे छोटे साइज में इसको काट लेना है लूप्स बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो लूप्स बनाना है ना, इसके लिए आपको डबल फोल्ड इस तरह से करते जाना है, मोड़ मोड़ करके इसमें सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। ज़्यादा लूप्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तीन लूप्स यहाँ पर लगाएंगे और तीन बटन लगाएंगे फ्रंट में, ये ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो पीस है ना, इस पे इन लूप्स को फिट करना है, फैब्रिक पे फिट कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना।
यस ये लूप्स हम अंदर ही डाल देंगे और उसके बाद अस्तर इसमें लगा करके पलटाएंगे तो लूप्स अंदर से फिट होकर के आएगा। अब अस्तर लेते हैं। अस्तर लेने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से रख करके सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, राउंड शेप में सिलाई लगा करके पलटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लूप्स लगा हुआ है, ध्यान से हमें सिलाई लगाना पड़ेगा। ये इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएं और इसको भी पलटा दें। तो पलटाने के लिए छोटे छोटे कट्स राउंड शेप पर लगाने ज़रूरी होते हैं। ये इस तरह से लगाएं और पलटा करके यहाँ पर भी हमें ऊपर से सिलाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलाई लगाने से ना कपड़े को पलटाना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये सिलाई लगाए बिना हम पलटाएंगे तो उससे होगा क्या, अच्छे तरीके से पलटाने में दिक्कत आएगी। और ये सिलाई आपने लगा दिया है तो बस आप इस तरह से कपड़े को मोड़ेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक से पूरा सेट होकर के आएगा। ये देखिए, अब इसमें पूरे किनारों पर एक बार फिर सिलाई करना है। ये ऐसे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को बेबी ड्रेसेस के डिमांड्स थे तो मैंने सोचा कि चलो एक ड्रेस बना दिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बेबी ड्रेस बहुत दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बेबी ड्रेसेस में कुछ बताइए। तो और आप लोग कमेंट्स करिए बेबी ड्रेसेस में और किस किस तरह के पैटर्न्स आप लोग देखना चाहेंगे, मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन थोड़ा सा टाइम का कमी हो जाता है तो देखेंगे जब जब बीच में टाइम मिलता जाएगा, इस तरह से बेबी ड्रेसेस ज़रूर मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा। फ्रंट पार्ट जब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे तो शोल्डर से ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये इस प्रकार से ज्वाइंट किए। अब यहीं पर देखना, ये गले पे जो हमने पट्टी लगाई है ना, ये दूसरे सिलाई में हम इसको उल्टा मोड़ेंगे। कैसे उल्टा मोड़ेंगे अभी देखिए, ये देखो ये ऐसे यहाँ से इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, और ये इधर मोड़ देना है। अब ये ऐसे मोड़ने से फ़ायदा क्या होगा कि ये शोल्डर का जो ज्वाइंट है ना वो अंदर की तरफ दब जाएगा और ये चुभेगा। ठीक है, अब इस तरह से करने के बाद इस पट्टी को मोड़ करके एक सिलाई लगा देना है। मेन उद्देश्य क्या था, शोल्डर का जो ज्वाइंट है उसको अंदर की तरफ दबाना और थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग लाना, इससे ये चुभेगा नहीं। ये हो गया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, आर्म होल वगैरह बराबर चेक कर लेना स्लीव को रख करके। वैसे तो बच्चे का ड्रेस है तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आदत पड़ी हुई है तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब चेक करने के बाद आपको इसको फिट करना है। तो आस्तीन फिट करने का तरीका बेहद ही आसान है, जैसे हम ब्लाउज़ में करते हैं, सूट में करते हैं, वैसे यहाँ पर भी करना है। गोल आस्तीन लगाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गोल आस्तीन ना डिफ़िकल्ट होता है और छोटे साइज़ में और मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आसानी से पहले फिट कर लें और उसके बाद साइड की फिटिंग करें। तो ये एक छोटे साइज़ का कंप्लीट ब्लाउज़ हम समझो तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत बेसिक है क्योंकि ना इसमें डॉट है, ना डॉट पॉइंट है, ना हुकाई पट्टी है, कुछ भी नहीं है, ना हमने इसमें कमर बेल्ट का यूज़ किया है, कमर पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगाए, ना पाइपिंग लगाए हैं। तो ये बहुत आसानी से बनने वाला ब्लाउज़ है। बिगिनर अगर इससे एक सीख लेना चाहें और सीखना चाहें इस तरह से ब्लाउज़ बनाना तो बहुत आसान पड़ेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, इस प्रकार से एक ब्लाउज़ बना करके आप देख लीजिएगा। आस्तीन को भी इसी तरह से हम फिट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसको पूरा ना अटैच कर देना है, दूसरी साइड इसमें सिलाई लगा देते हैं। दोनों आस्तीन फिट करने के बाद हमारे पास इसको केवल फिटिंग करने का काम बचेगा, और फिटिंग भी आपको एकदम कोई मेज़रमेंट लेकर के इसमें नहीं करना है, ना तो इसमें आपको पलटा करके फिटिंग करने की ज़रूरत है। आप सीधा सीधा इसमें सिलाई लगा सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि अंदर से ये चुभे ना या एक्स्ट्रा कपड़ा ना दिखे या फिनिशिंग दिखनी चाहिए, तब आप इसमें पलटा करके भी सिलाई लगा सकते हैं, फिटिंग वाली जो मैंने ब्लाउज़ में बताया है। अभी हम इसको डायरेक्ट फिट करेंगे इस तरह से उल्टा ही रख करके। ठीक है, ये ऐसे सीधा सीधा इसको इतने मार्जिन पे फिट कर देते हैं। स्लीव पे ये जो हमने एक्स्ट्रा लेयर लगाया वो काफ़ी अच्छा लुक देगा इस डिज़ाइन को। यहाँ पे मेजरमेंट आपको ले लेना है, जितना मेजरमेंट आपने कटिंग के वक्त लिया है, और इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देना।
ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड का भी आपको फिटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मजबूती के लिए हम डबल सिलाई चला देंगे। डबल सिलाई चलाने से क्या होगा, इसमें मजबूती आएगी। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सिलाई हाफ इंच के गैप पर भी चला सकते हैं, जिससे अगर ढीला टाइट हो रहा है तो आप उसको खोल पाएँ। ठीक है, दूसरे साइड भी फिटिंग का सिलाई हम चला देते हैं। और उसके बाद केवल इसमें हम 100 बटन यूज़ करेंगे और ये जो ब्लाउज़ है वो बन के रेडी हो जाएगा। रिया को पहना करके भी देखेंगे ये कैसा दिख रहा है। तो ये जो ब्लाउज़ है बहुत आसानी से बना है, काफ़ी कम टाइम में, उतना ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। बच्चों के ड्रेसेस बनाने में टाइम कम लगता है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे जाएंगे तभी ज़्यादा उसमें समय लगता है, बाकी छोटे छोटे कपड़े रहते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। ये पूरी फिटिंग हमने कर दी है। अब ये पूरा रेडी करने के बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक भी शेयर करूँगा किस तरह से ये दिखेगा। तो चलिए पहले इसमें हम लगाएंगे अभी बटन। पूरा रेडी तो ये हो चुका है, बस साइड से इसको हम इंटरलॉक वगैरह ना करना पड़े इसलिए इसमें सिलाई लगा दी है। अब देखिए इसको ना सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद इसको इस तरह से रखते हैं। यहाँ पे 3 बटन केवल रख के दिखा रहा हूँ इसको आपको ना, ये इस तरह से देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजा नाम से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।